बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बाद प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सभी पंचायतों में सरकारी जमीन की जांच कर यह कार्रवाई की जाएगी। सर्वेक्षण के बाद सभी सरकारी जमीनों का ब्यौरा अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। बिहार में भू सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। हर पंचायत में कैंप लगाकर रैयतों को संबंधित जानकारी दी जा रही है। रैयत भी अपने कागजात को दुरुस्त कराने में जुट गए हैं। इधर सरकारी जमीन को लेकर भी विभाग सख्त है। जो लोग सरकारी जमीन को अपनी निजी संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए हैं, सर्वे के बाद उनकी परेशानी बढ़ सकती है। विभाग ने सभी गांवों में सरकारी जमीनों को चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। बताते चले कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी देव त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी जमीन पर यदि किसी का कब्जा है तो उसे संबंधित वैध कागजात दिखाने पड़ेंगे। यदि कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो खाता खेसरा नंबर के साथ उस सरकारी जमीन की रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। यदि कोई फर्जी कागजात दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक गांव में कौन कौन खाता खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय व विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भेजने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। विभाग के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीओ सभी सरकारी जमीन की जांच करेंगे। सभी पंचायतों में सरकारी जमीनों की पैमाइश कराई जाएगी। अभी तक अधिकतर ऐसा ही होता आया है कि विवाद या अतिक्रमण का मामला सामने आने पर ही संबंधित सरकारी जमीन को खाली कराया जाता था या अन्य विभागीय कार्रवाई की जाती थी, लेकिन विभाग के निर्देशानुसार अब गांवों में सरकारी जमीन से संबंधित हर रिपोर्ट सर्वे टीम तैयार करेगी। कहां कहां सरकारी जमीन है इसका पूरा ब्यौरा अंचल कार्यालय में मौजूद रहेगा। जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बता दें, वंशावली के आधार पर रैयतों का बनेगा खतियान, यानी कि सर्वेक्षण टीम के पदाधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन के साथ साथ रैयती जमीन की भी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रैयती जमीन में जो बंटवारा हुआ है या जो खरीद बिक्री हुई है उसके आधार पर रैयतों का खतियान तैयार किया जाएगा। इसके लिए वंशावली अति आवश्यक है। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा रैयतों को निर्देशित किया गया है कि वे वंशावली तैयार करा लें। बता दें, बिहार सरकार के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि भू सर्वेक्षण के दौरान सरकारी जमीन की भी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए संबंधित स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सरकारी जमीन की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।